हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जो भी काउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है, जितने भी काउंटेबल नाउन्स हैं उनको आपको गोला लगाना है। तो देखिए, पहला था सी हैज़ ए कॉफ़ी या डॉग। तो इसमें काउंटेबल नाउन कौन सा है? डॉग है, तो डॉग को हमने गोला लगा दिया। ऐसे आई हैव ए पेंसिल या शुगर, मेरे पास क्या है? तो पेंसिल काउंटेबल है या शुगर काउंटेबल है, तो पेंसिल को गिन सकते हैं, इसीलिए पेंसिल पे गोला लगा दिया, शुगर को गिन नहीं सकते हैं। ऐसे ही राम हैज़ टू ईयर्स या वाटर, तो राम के दो कान हैं, वाटर थोड़ी ना होता है, तो ईयर्स काउंटेबल है, इसलिए हमने इसको गोला लगा दिया। काउंटेबल कौन से होते हैं? जो गिने जा सकते हैं, तो ईयर गिने जा सकते हैं, 1 2 इस तरीके से। सीता हैज़ ए बटर या बाइसिकल, तो सीता के पास क्या है? बाइसिकल यानी कि साइकिल। बटर तो कितना भी हो सकता है, बटर को काउंट थोड़ी ना किया जा सकता है, लेकिन साइकिल को तो काउंट किया जा सकता है ना, काउंटेबल हो गया, तो इसलिए इस पे गोला लगा दिया। ऐसे ही आई हैव ए बुक या सैंड, मेरे पास किताब है या मिट्टी है, तो मिट्टी को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन बुक को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल ना होने, इसलिए हमने इसको गोला लगा दिया। ठीक है, आज मैं आपको कुछ और होमवर्क देती हूँ करने के लिए। ये देखिए, रीड द सेंटेंसेस, आपको जितने भी सेंटेंस दिए हैं नीचे इनको पढ़ना है, एंड एनसर्किल द अनकाउंटेबल नाउन, और जो के गोला लगाना है किसको? जो गिने नहीं जा सकते। पहले तो था काउंटेबल नाउन, लेकिन अब आ गया अनकाउंटेबल नाउन, जो गिने नहीं जा सकती जो संज्ञा, उसको आपको गोला लगाना है। ठीक है, जैसे कि ही रिया एट ब्रेड या बटर, इसमें क्या होगा? रिया ने क्या खाया था, ब्रेड या बटर? तो ब्रेड को तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 करके, लेकिन बटर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो इस गोला किस पे लगेगा? इस बार अनकाउंटेबल यानी कि बटर के ऊपर गोला लगेगा। ठीक है, ऐसे ही अशोक एडेड शुगर या शुगर क्यूब्स, अशोक ने क्या मिलाया, क्या ऐड किया? शुगर, चीनी। चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन शुगर क्यूब, छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया, लेकिन शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन, तो शुगर पे गोला लग जाएगा। ठीक है, टू द कॉफ़ी, कॉफ़ी के अंदर। बीज गिव अस हनी या क्लॉथ, जो मक्खी है वो हमें क्या देती है? ये तो सिंपल है, कॉमन सेंस है, बीज हमें शहद देती हैं, ना कि कपड़े देती हैं, तो शहद पे गोला लग जाएगा। ऐसे ही कार्स रन ऑन पेट्रोल है व्हील्स, तो कार किस पे चलती है? पहिए पे भी चलती है और पेट्रोल पे भी चलती है ना, तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन पर गोला लगाना है। तो व्हील्स तो क्या है? व्हील्स तो 1 2 3 4, कार में 4 व्हील्स होते हैं, तो ये तो काउंटेबल नाउन में आ गए, लेकिन पेट्रोल क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन में आ गया, तो इस पे गोला लग जाएगा। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क है, आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।